इतनी हिम्मत नहीं थी कि वीडियो बनाता मैं एयरपोर्ट पे। काफ़ी सुबह की फ़्लाइट थी तकरीबन हमारी ये 6:25 की, तो हम जो है वो एयरपोर्ट पहुंच गए आराम से भाई 2 घंटे पहले। जब एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि फ़्लाइट जो है वो डिले है। फिर काफ़ी इधर उधर गए, कंफर्म हो गया कि भाई डिले है 11:25 पे, कहाँ 6:25 कहाँ 11:25, तो ऑलमोस्ट 6 आवर्स बन जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फजल भाई के पास वो वॉचर थे लॉन्च के, जो VIP लॉन्च होता है उसका, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें गए, नाश्ता किया, सो गए, फजर पड़ी, फिर उठे, फिर नाश्ता किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह तो आज पहुँचे। आज हमारा प्लान था काफ़ी एक एक्सप्लोर करने का मिलान को, लेकिन बदकिस्मती तो नहीं, किसी में कोई खैर होगी और लेकिन नहीं कर सकते। और आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एयरपोर्ट पे तो लंदन एयरपोर्ट पे तो मौका ही नहीं मिला वीडियो बनाने का, लेकिन चलें इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कुछ जगह आपको मिलान में दिखाएं, वन डे इन मिलान इंशाल्लाह। देखें सामने पहाड़ पे बर्फबारी, अच्छा पहाड़ी इलाका लग रहा है कुछ। ये जो है वो उतर आए जी मिलान एयरपोर्ट पे, इसको मिलानो भी कहा जाता है, और आप देख सकते हैं वो जब कोई ट्रैवलिंग में कोई इशू खड़ा हो जाए ना तो वसाविस आने लगते हैं, तो उन वसाविस को कंट्रोल करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यानी मैं समझता हूँ कि ट्रैवल तो हम करते हैं लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हमने काफ़ी पीछे गाड़ी आ गई, टैक्सी लाइन है भाई, बस वो जब बंदा थका हुआ हो ना तो इसी तरह की हालत होती है, कोई बात नहीं। और एक्साइटमेंट पूरी है जी, और बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह, जितना जितना मौका मिला वो जो बैटरी थी नींद की वो चार्ज कर ली है। सलाम अलैकुम क्या हाल है, कहाँ से हो? मैं पाकिस्तान। वाह यार जबरदस्त मेरी जान, क्या हाल है, ठीक हो? देखो भाई मिलान में भी जो है दोस्त मिल गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग तो यार लंदन से आ रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं। हाँ वो यहाँ से फ्लाइट करते हैं, बिजी हो गई। हाँ आप इसी हो? जी मैं तो काम करता हूँ। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा करते हैं यार, काम करने वाला आदमी तो सबसे बेहतरीन आदमी। क्या नाम है आपका? मुख्तार। यार देखो अल्लाह का कितना फजल है कि अल्लाह ताला ने मुख्तार से मिला दिया। मुख्तार माशाल्लाह अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किस जगह के यार मुख्तार? मंडी बाउद्दीन माशाल्लाह, मंडी बाउद्दीन के लोग देखे हैं मुख्तार को, और मुख्तार अपने घर वालों को भी सलाम कह देना, कहना मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब का चैनल सब्सक्राइब कर लें एक दिन मिलान के अंदर। तो भाई माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल हो गया, मुख्तार मिल गया। मोहम्मद मुख्तार है या पूरा क्या नाम? मुख्तार अहमद, माशाल्लाह। देखो भाई इटली में भी उर्दू चल रही है। अरे पाकिस्तानियों का डायस्पोरा चल रहा है, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जो है ना आपका हर मुल्क में मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह बड़ा अच्छा मौसम है आज मुख्तार। जी जी ठंड थी सुबह बहुत, बहुत ठंड थी सुबह जी। अल्लाह मियां ने कहा हम लोग आ रहे हैं तो मौसम अच्छा कर देते हैं। 14 था सुबह आज ना। अच्छा तुम पर चल अभी तो ठीक है। कैसा शहर है ये मिलान? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अच्छा अभी अभी यहाँ से शहर तो दूर है ना होटल से? 40 मिनट है। अच्छा तो अगर शहर जाना हो तो फिर टैक्सी लेंगे या यहाँ होटल? आपके लिए बेस्ट रहेगा है ट्रेन, या होटल के पास इस शहर से ट्रेन चलती है? मैं आपको ड्रॉप करूँगा ना एयरपोर्ट पे। हाँ टर्मिनल 1 पे। हाँ वहाँ से ट्रेन जाती है। अच्छा वाह यार ओ वाह, मैं निकाह पढ़ा रहा तो भाई एक दोस्त वहाँ बैठा था, वो कहता है यार मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा कैसे जानते हो भाई तुम? कहता मैं आपकी आप टीवी पे आते हैं। मैंने कहा हाँ मैं टीवी पे आता हूँ। देखा है कि मैं भी कह रहा था। आपने भी देखा है मुझे है? ठीक है मैं आपको लगता है आप ही कल 2 दिन
एक दो दिन पहले इधर आए आप मुझे तो नहीं लग रहा वो मुझे कहता है आप इधर आ चुके हैं थोड़े मुझे ऐसे लग रहा है। नहीं नहीं मैं आया हूँ इटली के दूसरे शहरों में ना। नहीं वो आपको टीवी पे या टीवी पे और यूट्यूब पे देखा होगा ना। और देखें उस वो तो वहाँ बंदा मिला तो वो मुझे कहता है मैं तो मिलान का हूँ मुफ्ती साहब। कहता है यार आप मैं तो बड़ा खुश होता कि अगर आप मैं वहाँ होता और आप आते तो। मैंने कहा आप नहीं तो कोई और से ही अल्लाह मिलवाएगा किसी ना किसी को मिलवाएगा भाई। हर जगह ऐसे ही होता है। लोग पूछते हैं कि मैं घूमता कैसे हूँ। ऐसे घूमता हूँ कि हर जगह अल्लाह किसी न किसी बंदे को मिलवा देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह का बड़ा करम है। ये इस महीने का मेरा अभी पिछला वीकेंड जो है हमने गुजारा मराकश के अंदर, उससे पिछला फलस्तीन के अंदर, उससे पिछला स्पेन के अंदर, उससे पिछला साइप्रस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इधर हैं फिर कुछ दिन जो है इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारेंगे इंशाल्लाह। उमरा करेंगे और हुजूर के रोज़े पे जाके सलाम पेश करेंगे और मुख्तार का भी पेश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे। ये फर्स्ट करना कि हमें भी अल्लाह पाक दे। हां ये देखो हाजिरी का मौका है। ये फर्स्ट होटल है माशाल्लाह। फर्स्ट होटल फॉर फर्स्ट पीपल माशाल्लाह। घर ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तानी स्टाइल के ना, जैसे हमारे यहाँ सोसाइटियाँ होती हैं उस तरह के घर लग रहे हैं। हैं तो मुख्तार भाई आप कह रहे हो ये आप पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं वो मसाइल खड़े कर देते हैं, फिर कवारियत खड़ी कर देते हैं। आप सवाल क्या पूछ रहे थे मुझसे? सवाल हमारा ये है कि मस्जिद ने इधर मराकश किया है एक, और हमारे पाकिस्तानी भाई भी हैं। मराकश मस्जिद में जाते हैं तो उधर कुछ कोई फिरका वारियत नहीं है। हमारे लोगों में बस यही पाकिस्तानियों का मसला है। मसला शुरू हो गया सारी दुनिया में। पाकिस्तानियों ने सारे बोझ उठाए हुए। بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا. देखते हैं जी आज इस दफा सिर्फ ले कोमो करना है हमने, बाकी मिलान इंशाल्लाह किसी और मौके पे, मिलान सिटी और वो किसी और मौके पे करेंगे। लेकिन मिशन है लेक कोमो जाना और आना। 36 यूरो का टोटल राउंड टिकट मिला है हमें, यानी रिटर्न टिकट दो बंदों का, तो 18 यूरो हो गया। ठीक है حسن التأمل بالإله وصار دي شهرة यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट की है कि अरबी बहुत हैं, काफ़ी लोग मैंने देखा है जो अरबी में बात करते हैं। तो पता नहीं कहाँ के हैं, मराकश के हैं ज़्यादातर, मराकश के और इजिप्ट के। अभी ट्रेन आ रही है उसका इंतज़ार कर रहे हैं इंशाल्लाह। देखें आज कह रहे हैं मौसम बहुत अच्छा है, तो इस दफ़ा हमने कहा कोई शहर वहर नहीं देखना, सीधा अल्लाह की कुदरत को देखना है जाके। तो हमारे फजल भाई कह रहे थे यहाँ पे 1400 साल पुराना चर्च है और भी चीज़ें हैं। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कर लेंगे यार, और सिटी का एक टूर बाद में करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये इरादा किया हुआ है हमने इसका इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा। अभी लेक कोमो की जो है वो ट्रेन आ गई है और इसमें बैठेंगे अब। असल में पहली दफ़ा है, मेरा भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि भाई कैसे देखें कोमो लागो। आपको ट्रेन भी दिखाते हैं इंशाल्लाह, अंदर से ट्रेन भी दिखाएंगे। कोई भी नहीं अच्छी ट्रेन है, देखते हैं। डबल टेकर है, ऊपर बैठे हैं, थोड़ा सा एसी भी चल रहा है। तो सिर्फ आपको लेक कोमो दिखानी है, दुनिया की मुख्तलिफ। अब मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया की जो मोस्ट पॉपुलर लेक्स हैं ना उनकी वीडियो बनाऊँ। पहले शुरू की थी, दरियाए नील दिखाई थी आपको, इजिप्ट की बहुत पॉपुलर हुई, फिर नहर तिब्रिया दिखाई, वो बहुत पॉपुलर है यूट्यूब पर। फिर उसके बाद जो है सोर्स ऑफ रिवर नाइल वो दिखाई, अब लेक कोमो दिखानी है।
तो इंशाल्लाह ये सीरीज भी हम शुरू कर रहे हैं। इलाहना मादलक मलिकु कुली मलक लब्बैक लब्बैतु लक लब्बैक। हाय भाई, आपको ले कोमो दिखाएं, वो सामने ही है। जी जी, देखिए जी, बड़ा प्यारा मंजर है मतलब पहाड़ों का सामने। ये देखें आप, ये भी हम पहुंच गए हैं लेक कोमो। ये पानी देख रहे हैं आप, ये पीने का पानी है। ये देखें, ये देखें, सुभान अल्लाह, ठंडा पानी। ये देख रहे हैं आप, ब्यूटीफुल। والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلك। ये आज इनका लेक कोमो में कोई फेस्टिवल है, नेशनल कोई फेस्टिवल, जिसमें आप ये देख सकते हैं इनको, इनके कॉस्ट्यूम देखें, तारीखी कॉस्ट्यूम है। तो हमें तो नहीं पता था, हम तो लेक कोमो देखने आए, तो आज जो है वो सारी बोटें जो है वो ऑलरेडी बुक हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बोट टूर करेंगे, लेकिन चले आपको थोड़ा सा लेक कोमो दिखाते हैं। इससे पहले हम दोनों एक एक कप कैपेचिनो पीने तक ज़रा फ्रेश हो जाए। आए रहीम, ये देखें आज ये खाना जो है वो ऑरेंज जूस है और ऑलिव ऑयल है, इटालियन ऑलिव ऑयल है, विनीगर है और सैलड है, टूना फिश है। ये खाना खाएंगे अभी हम इंशाल्लाह। नाइस, लुक नाइस पूरा। आप देखें लेक कोमो है, उसका ये स्क्वायर है, ब्यूटीफुल स्क्वायर। तो यहाँ आज इनका कोई सेलिब्रेशन हो रही थी और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ हुई यहाँ पर। तो हम भी आज ऐसे इतफाक़न आए हैं यहाँ पे, इतफाक़न तो नहीं, प्लान करके आए हैं बाकायदा। तो आप देख सकते हैं कि इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये माशाल्लाह आज यहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही थी, देखें ब्यूटीफुल ड्रेस माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, बाय, हाय, हाउ आर यू? व्हिच ड्रेस इज दैट? ओके, आई गॉट इट। हाउ आर यू? Fine, fine, fine. Thank you, thank you. What this dress is? This is also the king dress? No, it's not king. It's a king assistant. It's king assistant. Alleato, alleato del Barbarossa con Tumiano. It's a friend of Imperator. Oh, okay. But you look all beautiful. Thank you. I came for my. We are the king, and this one is king. King and queen of Chernobyl. Are you? Of Chernobyl. You are the queen. Chernobyl is a city, a little city. Oh, okay, okay. Oh, all right. My family, famiglia nobile, Tomasca. Oh, okay. Rich family of Como. Oh. Thank you, Peloto. Yes. Yeah, the king. King. So che femmina. Ma sono c'è. Ma sono c'è principale. And the emperor is a lot of king. Oh. King and emperor. Oh, emperor. Okay. Nice to meet you. Thank you. ये आप देखें, ये तारुफ करा रहे हैं अपना। वो जो ये एक खातून थी, वो कहती थी मैं उस रॉयल फैमिली में से हूँ। और मुख्तलिफ ये माशाल्लाह इनकी कल्चर है इनका, इन्होंने अपना प्रिजर्व किया हुआ है। हमारा तो कल्चर ही कोई नहीं रहा, हमने तो सारा ख़त्म करके रख दिया। आए मैं आपको लेक कोमो दिखाता हूँ। आए
लेक कोमो जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है कि यहाँ पे एक तो दुनिया के जो बड़े बड़े सेलेब्रिटीज़ हैं, मिलियनर बिलियनर, उन लोगों के यहाँ पे विलाज हैं और उन्होंने यहाँ विला लिया है हमें। और ये तो एक उसका एक हिस्सा है और ये लेक काफ़ी जज़ीरों पे मुश्तमिल है और अंदर अंदर इसके रास्ते बने हुए हैं, तो ये काफ़ी मशहूर है। और मिलान वैसे भी इटली का बड़ा ही तारीखी शहर है इस एतबार से कि ये आप ये समझ लें कि तिजारती और सनती शहर है, यहाँ से सारी इकॉनमी इटली की जनरेट होती है। और दूसरा बड़ा शहर है और स्पोर्ट्स के हवाले से इंटर मिलान और एक और टीम है इटली की जो बड़ी मशहूर है यहाँ पे। नाज़रीन, ये लेक कोमो जो है इसका रकबा मैंने आपको जैसे बताया था कि 146 मुरब्बा किलोमीटर है, जो तकरीबन 56 मुरब्बा मील बनता है, जो इसे इटली की तीसरी सबसे बड़ी झील बनाता है। इटली की जो बड़ी झीलें हैं उनमें से पहले नंबर पे है गार्डा झील और मैगोर झील, और इस एतबार से ये 400 मीटर यानी 1300 फिट से ज़्यादा गहराई में है। और ये दुनिया के अंदर जो है वो तीसरे नंबर पे आती है झील, जो जिसकी गहराई इतनी ज़्यादा है। और ये यूरोप की जो है बड़ा लंबाई के अतबार से, गहराई के अतबार से ये है पाँचवीं गहरी, और सबसे बड़ी जो है वो तो नॉर्वे के अंदर है। उसके बाद जो है ये इसकी जो सतह समंदर से इसकी जो तय है वो 227 मीटर है। ये जो है ना, ये जो झील है नाजी, ये वाई की शक्ल में है। देख रहे हैं मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ ना, अगर आप इसको उधर से देखेंगे ये बनती है वाई की शक्ल। और 2014 में इसको दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन झील का एजाज़ हासिल हुआ, यानी दुनिया की ब्यूटीफुल तरीन लेक्स में से एक ये लेक है, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं ये देखने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अहम जगह है और रोमन्स की बड़ी हिस्ट्री है। रोमन्स जो है वो 700 तकरीबन 36 कबल मसीह रोमन एम्पायर जो है वो कायम हुई थी, और वो चलते 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 जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने देखा कि वो पर्शियन और रोमन्स की आपस में लगती है। और वो कुरान में है ना, सूरह रूम अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम फी अदनल अर्ध, तो अदनल अर्ध वो जरीको में है, वो जगह मैंने आपको दिखाई है। तो इस एतबार से रोम जो है दुनिया की एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी रोमन्स, और इन्होंने एक सेनेट कायम की थी, कांग्रेस कायम की थी, और ये जो सीज़र था उसकी एक पसंदीदा ये लेक थी, वो अक्सर यहाँ पे आके अपना वक्त गुजारा करता था। तो इस एतबार से जो है ये बड़ी अहम लेक है, लेकिन अभी भी माशाल्लाह इज़ अ ब्यूटीफुल लेक, खूबसूरत। भाई सूरज ग्रूब हो गया, मगरिब का वक्त हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं। तो आप ये वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, फिर इंशाल्लाह। वैसे ये जो हमारा तकरीबन यहाँ हम पहुँचे हैं कोई 2 बजे के करीब, फिर होटल गए, चेक इन किया, तकरीबन 4 बजे हम निकले थे। तो अभी ये है कि 7:30 हो रहे हैं, तो तकरीबन 3.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटा लगेगा। मिलान जा रहे हैं, वहाँ एक दोस्त है उससे मिलेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह रात को होटल जाके आराम करेंगे, और सुबह इंशाल्लाह अहराम बांध के उमरे के लिए मक्कतुल मुकर्रमा रवानगी होगी। ये माशाल्लाह भाई, मैं इस वक्त हूँ मिलान सेंट्रल में हैं, और यहाँ के मेज़बान हैं हमारे अली अकबर। अली अकबर कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और अली अकबर से मेरी कल ही मुलाकात हुई एक तकरीब में, निकाह की तकरीब में, और मैंने इससे पूछा कि भाई तुम कहाँ के? उसने कहा मैं मिलान का हूँ। मैंने कहा मैं कल ही आ रहा हूँ मिलान, और मिले लंदन में और आज मिलान में। माशाल्लाह, ये असल में लगता है कोई मोहब्बत का ताल्लुक है। वैसे आम तौर पे कम ही लोगों से मेरी मुलाकात होती है। तो माशाल्लाह शहर बड़ा तारीखी शहर है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी रात हो गई है, लेकिन रात के अंदर भी ये बांग्लादेशी भाई बहुत नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश का एरिया बहुत अच्छा, पाकिस्तानी बंगाली बहुत ज्यादा है। इसको ढाका तो नहीं कहते? कहीं ढाका यहाँ है भी, सारे ढाका। अच्छा, मिलेंगे आपको। अच्छा,
तो मिलान जो है वो इनका इंडस्ट्रियल सिटी है ना, बिजनेस हब है ना, बिजनेस हब इनका यही है। अच्छा, और बिजनेस के और फैशन के लिहाज से भी ना। हाँ, दुनिया के अंदर फैशन यहाँ से वो पेरिस मिलान दो ही सिटी है जो टॉप पर है। अच्छा, और ब्रांड भी आपको पता सारे इधर है। तो ये अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा रात के टाइम आपको दिखा देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा देखें, मिलान का जो टूर था वो एक दिन का, वो ख़ास तौर पे बस लेक कोमो का एक विज़िट करना था, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से हमारे अली अकबर से कल ही मुलाकात हुई लंदन में, और एक प्रोग्राम में थे हम निकाह में, वहाँ इसने कहा कि मैं मिलान का हूँ, मैंने कहा मैं कल ही जा रहा हूँ, तो माशाल्लाह फिर इसका फ़ोन आया कि जी आपसे मुलाकात करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इससे मुलाकात हुई। फिर अपना वकास भाई हैं, आप हजरात लंदन के यूके के जितने भी मिलान आते हैं, कश्मीर ग्रिल है यहाँ पे और बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। इसका लोकेशन क्या है? सेंट्रल स्टेशन के सामने, वह गूगल करें या गूगल करें। तो वकास भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, चाय भी बहुत अच्छी पिलाते हैं, और शेफ भी है। ये भी शेफ है। क्या नाम है? नकाश, वकास, नकाश, माशाल्लाह। तो बहुत खुशी हुई भाई इन लोगों से मिलकर, हमारे पास आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आप लोगों को बरकत दे जी, दुआ में याद, आप भी याद रखें। बहुत शुक्रिया। इसका क्या नाम है अपना? ये कोर्सो बोनोस आयरस है। और सामने हम जा रहे हैं, ये पोर्ता विनेजिया, पोर्ता इटालियन में ना डोर को कहते हैं, डोर के वीनस का दरवाजा। यहाँ से पुराने काफले जाते हैं वो वीनस के लिए यहाँ से निकलते हैं। इसी तरह मिलान में चार दरवाजे हैं, मिलान में चार दरवाजे। आप पोर्ता गरिबाल्दी जहाँ आपने उतरना था ट्रेन में, गरिबाल्दी इनका एक बहुत बड़ा फाइटर रहा है, हर गली में आपको उसके ना मुजस्मे नजर आएंगे गरिबाल्दी का। और किस चीज का फाइटर था मतलब? ये सेकंड वर्ल्ड वार। अच्छा, अच्छा, वार के वाले से। यहाँ अमेरिका ने बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट की थी। मुसोलिनी था ना, मुसोलिनी। ये जहाँ मैंने आपको इशारा किया हमसे 500 मीटर पीछे, शायद अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ मुसोलिनी को अपने 11 साथियों के साथ फांसी दी गई थी। अच्छा, और वो वहाँ जगह भी है, चौक भी है। और यार अब ये है ना, ये दिन का टाइम हो गया, एक दिन निकालेंगे ना, और ये इसकी मुसोलिनी की पूरी मैंने बनानी है। مطر البشائر صافيا متجددا ناظرين ميلان کی جو بڑی ایک خصوصیت ہے وہ اصل میں ہم نے دن میں آج وہ لیک ڈومو چلے گئے تو اس لیے وہ نہیں دیکھ سکے لیکن رات کو ہمارے ملان کے میزبان ہیں علی اکبر صاحب تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی اس جگہ کا تھوڑا سا بتائیں گے یہ ملان میں اس کو ये मिलानो डोमो है, डोमो यू में डोम को कहते हैं, जो कि किसी भी सेंटर का या सिटी का सेंटर बनता है, वहाँ एक चर्च होता है, यहाँ ज़्यादातर उसको वहाँ आपको डोम ही नज़र आए। ये मिलान का सेंटर है और इस चर्च की काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, और इसके ऊपर भी आपको शायद वो नज़र आए, इसके ग्राउंड फ्लोर पे भी काफ़ी ज़्यादा एंटीक्स चीज़ें हैं जो दिन के वक्त देखी जा सकती हैं, जो कई हज़ार साल पुरानी हैं यहाँ पर। और ये एरिया भी काफ़ी पुराना है, और ये कभी सारे सिनेमा हुआ करते थे। क्या होते थे? सब सिनेमास थे। अच्छा, अब इनकी हिस्ट्री में देखे हैं, फिर वो सिनेमास पीछे चलते गए हैं, इनको उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आप गैलरीज बना ली हैं अपने ब्रांड्स के लिए। तो ये पहली दफ़ा होगा कि रात की उसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो अब आए हैं तो इस वो, और आज कोई फैशन वीक है या पता नहीं, कोई फैशन शो हो रहा है जिसकी वजह से सारे रास्ते बंद हैं, तो हम ऑलमोस्ट 20-30 मिनट वॉक करते हुए आए हैं। चलें आपको दिखाते हैं, आए हम मिस करते अल्लाहुम्मा इन्ना नजालू कफी नहूरी मन आउज़ बिका मिन शुरूरी हिम, लेकिन बड़ा कहते हैं कि 1400 साल से ज़्यादा पुराना है ये, इसकी हिस्ट्री जो चलती है लॉन्ग टाइम। तो देखें तो हमेशा ये काम होता रहे, अभी भी इसकी तामीर हो रही है, वो है ना कि मज़हबी इबादत गाहों की तामीर नहीं रोकनी
इसका फलसफा मैं बाद में बताऊंगा वरना लोग बुरा मानेंगे, लेकिन वो तो मैंने अभी बताना नहीं है कि ये चलता रहना चाहिए। ये भी अभी यहाँ भी अभी काम चल रहा है, आप समझ रहे ना, हर जगह काम हो रहा है, 1400 साल से चल रहा है, अभी काम हो रहा है, 1400 साल से चल रहा है काम। ये सब इसकी प्रॉपर्टी है चर्च की। अच्छा, واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا جودي سحائب فرحنا وسط الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا قولي لهم أني جنيت ثمارها تلك الليالي خاليا ومسهداً